और अब कोयटा से खबर शामिल करेंगे। कोयटा एयरपोर्ट पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद के मौके पर बदनज़मी देखने में आई है। तहरीक इंसाफ के कारकुन कोयटा एयरपोर्ट पर लड़ पड़े। इसके हवाले से मजीद तफसील जानेंगे। हमारे साथ जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ इस वक्त मौजूद हैं। सलमान, असल वाकया क्या पेश आया? सदा इस हवाले से जैसे ही खबर के वज़ीर-ए-आला वहां पे पहुंचे तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन पहले लाउंज, जो वीआईपी लाउंज था, वहां लड़े। सुबाई सदर और दीगर जो अकाबरीन थे उनकी पार्टी के, उन्हें संगीन नतज की धमकियां दी गई, नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बाद जब वो पार्किंग लॉट में पहुंचे जहाँ मीडिया से बातचीत की जा रही थी, तो इस दौरान सुबाई सदर कासिम सुदी जब वज़ीर-ए-आला के साथ गाड़ी में बैठने लगे तो जो मुश्तक थे उन्होंने उन्हें गाड़ी में नहीं बैठने दिया और गाड़ी से उतार दिया। जबरदस्ती खींचातानी भी देखने में आई, गुथम गुथा हो गए। और उस मौके पर उनके हमायती और जो मुखालफीन कारकुन थे उनके दरमियान शदीद नारेबाजी हुई और वो काफी देर तक, तकरीबन 5 से 10 मिनट की कशमकश जारी रही। इस दौरान जो वज़ीर-ए-आला थे उनका काफिला जो है सिक्योरिटी वजूहत की बिना पे वहां पे रवाना कर दिया गया। बाद सुबाई सदर जो है वो अपने एक साथी की गाड़ी में बैठ के बामुश्किल वहां से निकल पाए हैं और अब वो सीएम सेक्रेटरिएट पहुंचे हैं। तहम जो बदमनी की सूरत हाल या बद इंतजामी की सूरत हाल जो वहां पे देखने में आई वो अपने पीक पे थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ आपका।